विवेक मौजूद हैं जहां पर अजीत पवार के घर पर बैठक होनी है। विवेक, कितनी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है, क्योंकि 11 बजे का वक्त रखा गया था, और कौन कौन इस बैठक के लिए पहुंच चुका है? देखिए गोदन जी, 11 बजे की ये पूरी मीटिंग थी जिसमें अजीत पवार, जो बाकी के जो 9 MLA जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने सब लोग मीटिंग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, 11 बजे ये मीटिंग शुरू होनी है। अमोल मेटकरी हमारे साथ हैं, ये NCP के MLC हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से ये पूरा हुआ, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, उनसे हम लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साल तक पार्टी बढ़ाई, उन लोगों को खाली पोस्टने वाले पार्टी के कैसे हो सकते हैं? अमोल जी, देखिए जितने कार्यकर्ता हैं वो अजीत पवार के जो बंगले हैं दिपगिरी, उनके घर के बाहर मौजूद है। अमोल मिटकी जी हमारे साथ हैं, सर ये बताइए कि आप लोग किसके साइड है, अजीत पवार के साहब के साइड है कि शरद पवार के साइड है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साइड। कितने MLA हैं पवार साहब के, अजीत पवार के दादा के पास? 40। लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 MLA भी अंदर गए हैं, और वहीं सुप्रिया सुले जी दावा कर रही हैं कि पूरी पार्टी उनके पास है, बाकी MLA उनके संपर्क में, 9 के अलावा कोई 10वां नहीं गया है। सभी का समर्थन है, समर्थन का लेटर राज्यपाल महोदय को दिया और उसके बाद ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। तो पार्टी किसकी है, पवार शरद पवार साहब की है कि दादा की? NCP पार्टी किसकी है? जनता पब्लिक की पार्टी। लेकिन इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का एप्लीकेशन मूव किया गया स्पीकर के पास, जयंत पाटिल साहब ने बोला कि इन सारे 9 MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये सब घटनाएं रात को 11 बजे के बाद घटी, और ये सब घटनाएं मैं अभी उसका जायजा ले रहा हूं, जब मैं इसकी पूरी माहिती लूंगा, जानकारी लूंगा, तभी मैं इसके बारे में कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन अमोल जी बताइए कि ऑल ऑफ सडन जब एकनाथ शिंदे की गुट जब बागी हुए थे, तो क्या जरूरत थी, क्या वजह थी कि NCP के नेताओं को बागी होना पड़ा और BJP शिंदे गुट में शामिल होना पड़ा? बागी हुए नहीं, ये फिर से आप गलत कह रहे हो, ये कोई बगावत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता जो चाहती है वही हुआ है, कोई बगावत नहीं है। कौन कहता है बागी, हमने कोई गद्दारी थोड़ी की, हमने बागी थोड़ी है। अजीत दादा जैसे बड़े नेता अगर ये डिसीजन लेते होंगे तो कुछ ना कुछ जनता की राय लेने के बाद ही लेते होंगे ना, वैसे तो नहीं ले सकते। अगर शरद पवार साहब वापस सबको बुलाना चाहें तो दादा अपने समर्थकों के साथ MLA के साथ जाएंगे वापस? दादा और पवार साहब ये दोनों बड़े नेता है, वो बड़े नेता जो ठहराएंगे वही होगा। तो पवार साहब तो बोल रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत है, सुप्रिया सुले बोल रहे हैं कि डकैती हुई है, उनके जयंत पाटिल बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले बोले कि चोरी नहीं बल्कि NCP पार्टी में डकैती हुई है। कौन बोला ये, बाकी NCP के नेता बोल रहे हैं? नेता कौन, नाम बता। जयंत पाटिल साहब, सुप्रिया सुले जी, जितेंद्र भाट बोल रहे हैं कि NCP पार्टी में चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। नहीं, उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी बगावत नहीं है, हम महाराष्ट्र की जनता के हित के बारे में जो कुछ करना था वो हमने किया। 54 MLA अमूल जी आपके पास से NCP में, 54 में से कितने आने वाले हैं पवार साहब के साथ? मैं तो बोल दिया आपको, सभी 35-36 लोगों का समर्थन का लेटर तो गया, 2-4 लोग और नए आ गए आज, सभी लोग हैं। 40 के आसपास आपका दावा है जी? ओके, तो ये थे हमारे साथ अमोल मेटकरी, NCP के MLC हैं, विधान परिषद के। वो अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ, उनकी दशा क्या है, वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का, लोकसभा का, और ये इकट्ठा हो रहे, अभी उनकी ताकत तो, वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है? TMC उधर बंगाल में कह रहे हैं कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से तो विपक्ष का नेता नहीं सोचना चाहिए, सब कोई जो है सब अलग अलग, जो आगाड़ी में थे वही बोलते कि हम आगाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। सर, शरद पवार के घर इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ, शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजीत पवार के साथ चले गए? नहीं, उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूंगा, मुझे जान दे, मेरा फ्लैट निकल एक ना, एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी सेफ है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मैं अभी कहा, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब सर मंत्रिमंडल जो नए मंत्री वो अभी नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगा, सॉरी मेरे को निकलने। मराठीत घ्या ना, आपण जे आता बघतोय की पार्टीमध्ये राष्ट्रवादीचा फूट पडली आणि एक नवीन राजकीय भूकंप होतो, याकडे कशा पद्धतीने बघता, आणि मागच्या वर्षी जे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आप सुन रहे थे। इस वक्त अब मैं फिर से दिवाकर का रुख करती हूँ। दिवाकर, मैं पटना में हुई इस बैठक का जरूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि हालिया दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अगर इतना बड़ा सियासी उठापटक हो, और जो तीसरे फ्रंट की तैयारी हो रही थी उसमें बड़ी भूमिका थी शरद पवार की, उनके तजुर्बे का फायदा सबको मिलता भी, क्योंकि अभी जो तीसरा फ्रंट बनने को है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लीडर कोई है,
तो वो है शरद पवार। अब उनकी पार्टी का ऐसे टूटना ये क्या संकेत देता है कि सारा कुछ उठापटक लोकसभा चुनाव के लिए और उसके बाद आने वाले वक्त में शायद ये जो तीसरा फ्रंट है वो भी ब्रेक हो जाए? और ये अजीत पवार की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे शुभकामनाएं देने के लिए सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं, वो सभी एक एक करके पहुंचे हुए अजीत पवार के घर से। ये लाइव तस्वीर, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठक होनी है और बैठक से पहले की तस्वीरें देखिए, वहां पर शुभकामनाएं देते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत अहम ये बैठक कही जा रही क्योंकि इसमें आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले अजीत पवार को बधाई देते, शुभकामनाएं देते, बुके देते आपको यहां पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे। और उनकी उनके गुट की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि कोई बगावत नहीं की गई है यहां पर, क्योंकि सभी जो विधायक हैं वो अजीत पवार के फैसले के साथ हैं। और अगर अजीत पवार बड़े नेता होने के साथ अगर कुछ फैसला ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसके लिए लोगों से बातचीत की गई होगी, उनकी राय ली होगी और तभी ये फैसला लिया गया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार जो कि कल ही डिप्टी सीएम बने हैं, अब उनके घर पर ये काफी अहम बैठक चल रही है, आगे की स्ट्रैटेजी पर इसमें चर्चा होनी है। तमाम इसमें अहम विधायक भी शामिल हैं जो उनके साथ बताए जा रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं जो फिलहाल उन्हें बधाई दे रहे हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीरें हमने 2020 में चुनाव परिणाम के बाद देखी थी जब अजीत पवार चाहते थे कि डिप्टी सीएम रहते मैं साथ में चलूं बीजेपी के, मैं इस गठबंधन का हिस्सा बनूं, और तब भी उन्होंने तेवर यही अपनाया था। लेकिन उस वक्त 80 घंटे में ही सही शरद पवार ने इन्हें मना लिया था, लेकिन इस बार दूर दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं दिखती। मैं सीधे विवेक का रुख करती हूं। विवेक, इस बार जो हो रहा है भले इसकी जानकारी शरद पवार को नहीं हो लेकिन भाप जरूर गए थे और यही वजह है कि जो पार्टी की बड़ी बैठक हुई इसमें दो प्रमुख चेहरों में से अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब इसके बाद शरद पवार के पास क्या कोई विकल्प जनता के अलावा बचता है क्या? जी मैं देखिए, अगर सीक्वेंस की बात करें तो पहली दिन ही अजीत पवार के ऊपर डाउट हो गया था जब शरद पवार ने ऐलान किया था कि वो पार्टी से अपने प्रेसिडेंट पद का इस्तीफा दे रहे हैं। सभी लोग तैयार थे सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, वो थे अजीत पवार। अजीत पवार ने बोला कि इनकी एज हो गई है, अब उनको छोड़ देना चाहिए। अजीत पवार को उससे उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरी अहम घटना, शरद पवार ने वर्किंग प्रेसिडेंट अजीत पवार को ना बनाकर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बना दिया गया। उस समय अजीत पवार ने बोला कि लगा कि उनके पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा। तीसरी बड़ी घटना जब हुई जब अजीत पवार ने कुछ दिन पहले प्रेस में कहा था कि विपक्ष का नेता होने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको लेकर सुबुकाहट तेज हो गई थी और उसी वजह से ये जो पूरा सीक्वेंस उसमें अजीत पवार ने साफ तौर पर तय कर लिया था कि अब वो पार्टी में नहीं रहेंगे बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट के साथ मिलेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अजीत पवार के जो घर के बाहर पुलिस का सुरक्षा भी है और साफ तौर पर देखिए तमाम जो लीडर्स है वो अंदर पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी ज्यादा है अंदर। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अजीत पवार दादा के बंगले के बाहर से हैं और तमाम नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और ठीक 11 बजे मीटिंग शुरू थी, मीटिंग शुरू हो भी चुकी है। देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जयंत पाटिल सुप्रिया सुले ने डिस्क्वालिफिकेशन का एप्लीकेशन दे दिया है वहां पर स्पीकर के पास, उसको लेकर अब रणनीति देखी जा रही है कि अगर स्पीकर अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं 9 MLA को लेकर तो उसमें अजीत दादा की तरफ से क्या एक्शन होगा, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी, उसको लेकर ये मीटिंग है। इसलिए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है विवेक, मैं आपका रुख करती हूं। No, we will decide now. Today is the first day after the swearing in. So are you comfortable with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. Sir, what do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? ये प्रफुल्ल पटेल को दरअसल इस वक्त आप सुन रहे थे, ये वही चेहरा है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र में कोई पद नहीं लिया। कल डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए, इनके बारे में कैसी चर्चा चल रही है कि दिल्ली कैबिनेट में इन्हें रखा जा सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार जब भी हो इनको जगह मिल जा सकती है। और शरद पवार को अगर किसी बात से ज्यादा परेशानी है तो प्रफुल्ल पटेल के बागी होने से। अब हम आपको संजय राउत के बयान सुनवाते हैं। संजय राउत इस पूरे प्रकरण में अलग अलग एंगल ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ में संजय राव जी हैं। सर, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स और पूरी तरीके से सरकार में उलटफेर हुआ है सब कुछ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार में क्या उलटफेर हुआ है और राजनीति में क्या इतना बड़ा भूचाल या भूकंप आया है, कुछ नहीं है, ये तो होने वाला ही था। ये भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की राजनीति से हम परिचित हैं।
पहले शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना तोड़ने से कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, उनको पार्टी जमीन पर है, अब एनसीपी को तोड़ा है। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2024 में महाराष्ट्र की जनता उनको सबक सिखाएगी। बात ऐसी है कि अजीत पवार का कैबिनेट में डिप्टी सीएम का पद देना है, उसका इंडक्शन करना, यानी सबसे पहले ये एकनाथ शिंदे जो हमसे तोड़ दिया उसको चैलेंज है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल जाएगी, अजीत पवार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जो हमारे से 40 लोग वहाँ गए वो तो बीच में लटक गए। ये बीजेपी की एक राजनीति, सबको ख़त्म करो, सबको, महाराष्ट्र से बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार, ये नाम ये लोग मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये मिटेगा नहीं। एक सवाल और सर, क्योंकि शरद पवार जी सबसे ज्यादा अनुभवी और पुराने नेता हैं, जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, अभी बैठक भी हुई थी बिहार में पटना में, उस विपक्षी एकता को डेंट हुआ है क्या इस तमाम चीजों को लेकर? मैं नहीं मानता हूँ। शरद पवार बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र से जमीन से जुड़े हुए नेता है, पूरे देश में उनको एक प्रतिष्ठा है। जो लोग कल चले गए हैं अजीत पवार, मुझे लगता है ये तो होना ही था। जिस तरह की एक राजनीति उनके पार्टी के अंदर चल रही थी, तो अजीत पवार ने बहुत बार कोशिश की है पार्टी छोड़ने की, लेकिन इस बार डील पक्का हुआ है मुख्यमंत्री पद का, इसलिए वो चले गए। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। और एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, जिस थर्ड फ्रंट की बात लगातार कही जा रही है कि शरद पवार जो कि थर्ड फ्रंट के सबसे अनुभवी चेहरा कहे जा रहे थे, उनकी ही पार्टी में अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र में हुई इस सियासी उठापटक पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि बिहार तक बयानबाजी देखी जा रही है। देखिए जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे पहले आपको ताजा अपडेट दे दूं, जो शरद पवार का कॉन्वॉय है वो 5 मिनट में जो है कराड़ पहुंचने वाला है। YB चौहान मेमोरियल पर शरद पवार अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ जाएंगे, वो पहुंचने वाला। मैं तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरह से तमाम गाड़ियां शरद पवार के साथ पुणे से चल के सामने आ रही थी, उनके तमाम पदाधिकारी उनके साथ थे। दूसरी अहम बात, जो आपने सवाल पूछा, दरअसल इसकी स्क्रिप्ट जो है जब विपक्षी मीटिंग हुई थी पटना में उसके बाद लिखी गई। देवेंद्र फडणवीस अचानक से राज्यपाल के पास जाते हैं महाराष्ट्र के, वहां पर बैठक करते हैं, उस बैठक के बाद तुरंत वो मुंबई एयरपोर्ट जाते हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे दिल्ली उड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके उड़ने से पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे सीधा दिल्ली के लिए विमान से जाते हैं, वहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी चर्चा होती है, और उस चर्चा के बाद ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अजीत पवार को यानी कुल मिलाकर जिस तरह से ये बैठकों का दौर चला, जाहिर तौर पर ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या होने वाला था, इसकी भनक ना तो शरद पवार को लगी और ना ही किसी और विपक्षी पार्टी को लगी। और जब ये पूरा खेल हो गया अचानक से कल रविवार के दिन, जब शरद पवार मुंबई में नहीं थे और अजीत पवार को ये पता था कि जल्द से जल्द हर चीज करनी पड़ेगी, शपथ ग्रहण करना पड़ेगा और तमाम चीजें करनी पड़ेगी, यानी शरद पवार के आने से पहले ही तमाम चीजें निपटा ली जाए, और यही हुआ है पूरा घटनाक्रम। इसकी स्क्रिप्ट जो है 23 जून के बाद लिखी गई थी, और तभी जाकर जो है इस तरह के पूरे सक्सेस हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को ये पूरी जानकारी थी कि क्या चीजें रुख करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, तमाम जो देश के राज्य हैं, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा मजबूत के साथ है, वहां इस तरीके से टूट फूट की खबर देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद पश्चिम बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने परिवार बात पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि शरद पवार अपनी बेटी को राजनीति में लाना चाहते थे, जिसकी वजह से अजीत पवार ने उनसे किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अपने भतीजे को राजनीति में लाना चाहती है। ममता से भी टीएमसी के सभी दिग्गज नेता नाराज है, वो लाना ही नहीं चाहती है, बल्कि सर्वे सर्वा है अभी ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीपी में बड़ी फूट के बाद पश्चिम बंगाल की बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने परिवारवाद पर निशाना साध दिया, और उन्होंने ये कहा कि शरद पवार दरअसल अपनी बेटी को राजनीति में लाना चाहते थे, और यही वजह रही कि अजीत पवार ने उसे किनारा कर लिया।
पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया, जहां उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी दरअसल अपने भतीजे को राजनीति में लाना चाहती हैं और इसी वजह से टीएमसी के सभी दिग्गज नेता ममता से नाराज भी हैं। शरद पवार वॉज ट्राइंग टू एस्टेब्लिशिंग हिज डॉटर इन द पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई द ओल्ड वेटरन ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग हिज नेफ्यू दे आर एनॉयड विद हिम, छगन भुजबल एंड एटसेट्रा एंड दे जॉइन द NDA। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।